गुड मॉर्निंग क्लास। कल के एक्सप्लेनेशन वीडियोस में हमने हमारा चैप्टर हाइड्रोजन कंप्लीट कर लिया था एंड आज हम हमारे एक्सप्लेनेशन में नया चैप्टर जो कि है रेडॉक्स रिएक्शन, जिन्हें हिंदी में रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं, ये स्टार्ट करेंगे। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती हैं, इनको समझने से पहले आपको दो टर्म समझने बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला है ऑक्सीडेशन, जिसे ऑक्सीकरण कहा जाता है, और दूसरा है रिडक्शन, जिसे कहा जाता है अपचयन। अगर आपको ऑक्सीकरण और अपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो रेडॉक्स रिएक्शन आपके लिए बहुत ईजी कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर में आपको कौन कौन से टॉपिक हैं जो कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले तो रेडॉक्स रिएक्शन से ही आप कंप्लीट करेंगे। देन सेकंड, इसमें आपको बताया जाएगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में। थर्ड है टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन यानी कि रेडॉक्स अभिक्रियाओं के प्रकार, जो कि हम दो बेसिस पर पढ़ेंगे। सबसे पहला बेसिस होगा कि हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या हैं, यानी कि हमारे जो अभिकारक अणु ऐसे अणुओं को कहा जाता है जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं और उत्पाद का निर्माण करते हैं। यानी कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर दोज मॉलिक्यूल्स विच पार्टिसिपेट इन एनी केमिकल रिएक्शन एंड गिव्स अस प्रोडक्ट। तो उसके बिहाफ पर हमको तीन तरह की रिडॉक्स रिएक्शन पढ़नी है, इंटरमोलिकुलर, डिसप्रोपोर्शनेशन और इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन, जिन्हें हिंदी में कहते हैं अंतराणुविक रेडॉक्स अभिक्रिया, स्वतः या असमानुपातन रेडॉक्स अभिक्रिया एंड थर्ड अंतःअणुक रेडॉक्स अभिक्रिया। दूसरा जो हमारा बेसिस है वो है नेचर ऑफ रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया की प्रकृति कैसी होगी। इसके बिहाफ पर हमें चार तरह की केमिकल रिएक्शन पढ़नी है जो हम क्लास 10th में पढ़ के आए हैं, एडिशन रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रियाएं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, अपघटन अभिक्रियाएं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रियाएं और डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, असमानुपातन अभिक्रियाएं। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या एंड मॉलिकुलर एंड आयनिक रिएक्शन, आणविक तथा आयनिक अभिक्रियाएं। एंड लास्ट टॉपिक होगा आयन इलेक्ट्रॉन हाफ रिएक्शन एंड आयन इलेक्ट्रॉन इक्वेशंस। ये जो आपकी दो मेथड आप देख रहे हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है मेथड ऑफ बैलेंसिंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, इसमें आपको सीखना होगा कि जो भी आपकी रिडॉक्स रिएक्शन होती हैं, जो आपकी रिडॉक्स अभिक्रियाएं होती हैं, इनको हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं, कैसे हम इन्हें संतुलित कर सकते हैं। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन आपने पढ़ा होगा तो वो हमें इसमें सिखाया जाएगा दो मेथड के थ्रू यानी कि दो विधियों के द्वारा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये जो हमारी रेडॉक्स रिएक्शन या रेडॉक्स अभिक्रियाएं हैं, इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमें समझना है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को हम हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकरण। क्या मतलब होता है ऑक्सीडेशन का या ऑक्सीकरण का? तो हम सबने पढ़ा है कि जब भी किसी परमाणु में या किसी एटम, कोई फॉर एग्जांपल आप कोई केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो उस केमिकल रिएक्शन में, उस अभिक्रिया में अगर ऑक्सीजन क्या हो जाए, ऑक्सीजन ऐड हो जाए यानी कि ऑक्सीजन जुड़ जाए, तो हम कहते हैं कि उस अभिक्रिया का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। या दूसरा पॉइंट कि उसमें से क्या हो जाए, H2 लेस हो जाए, लेस का मतलब हाइड्रोजन हट जाए, तो भी हम कहेंगे कि उस अभिक्रिया में क्या हो गया है, उसका ऑक्सीकरण हो गया, उसका ऑक्सीडेशन हो गया है, पहला पॉइंट। दूसरी चीज़ ये कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया करने के लिए, ऑक्सीडेशन करने के लिए ऑक्सीजन जोड़नी है या हाइड्रोजन हटानी है तो आपको किसी ना किसी एजेंट की आवश्यकता पड़ेगी, और ऑक्सीकरण कराने वाले एजेंट को कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहा जाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका मतलब होता है हिंदी में ऑक्सीकारक। हिंदी में से क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक। तो एक कॉन्सेप्ट तो आपको ये समझना है कि ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं क्या होती हैं, तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो या हाइड्रोजन लेस हो, हाइड्रोजन हट जाए, उन अभिक्रियाओं को ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहते हैं। ऑक्सीकरण कराने के लिए हम जिस भी एजेंट का उपयोग करते हैं उसको ऑक्सीकारक, एजेंट का मतलब कारक, जो भी कारक होगा, कारक में आपके कोई ना कोई केमिकल कंपाउंड होगा, कोई ना कोई रासायनिक पदार्थ होगा जो इस अभिक्रिया को करने में मदद करेगा, तो उस कंपाउंड को, उस यौगिक को ही ऑक्सीकारक यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाएगा। ये कॉन्सेप्ट जो होता है, जब हम छोटी क्लासेस में होते हैं तो हमें क्लियरली ये समझाया जाता है, लेकिन जब आप बड़ी क्लासेस में आ जाते हैं तो एक और कॉन्सेप्ट आपको समझ में समझाया जाता है, वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का यानी कि इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण का। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के बिहाव पर अब आपको सीखना होगा कि कब ऑक्सीकरण होता है, कब ऑक्सीडेशन होता है और कब जो है आपका रिडक्शन होता है यानी कि अपचयन होता है। जैसे
हम सबको पता है कि जो मेटल होते हैं, जो धातुएं होती हैं हमारी, इनके पास टेंडेंसी होती है, इनकी क्षमता होती है इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की। जो मेटल है हमारे, जैसे सोडियम का अगर आप एग्जांपल लें, तो सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके माइनस करके क्या बनाता है, Na प्लस बनाता है। सोडियम धातु Na प्लस बनाता है। ठीक उसी तरह से हमारे जो हैलोजन्स होते हैं, हैलोजन में जैसे क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इनकी ये क्षमता होती है, इनकी टेंडेंसी होती है, जो हमारे नॉन मेटल जिन्हें अधातुएं कहते हैं, इनकी हमारी क्षमता होती है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, इलेक्ट्रॉन लेने की। जैसे क्लोरीन है वो एक इलेक्ट्रॉन ले करके, एक इलेक्ट्रॉन अपने में जोड़ करके Cl- क्या कर लेता है, Cl- बनाता है। तो यहाँ पर जब भी किसी कोई भी आपकी रासायनिक अभिक्रिया होगी, उसमें किसी भी परमाणु में या किसी भी अणु में इलेक्ट्रॉन निकल जाए, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, कम हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन का कम होना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। तो क्या हमें फोर्थ टॉपिक क्या मिला कि लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। अगर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएं, कम हो जाएं, तो हम कहेंगे कि क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, हिंदी में से कहेंगे इलेक्ट्रॉन का कम होना ऑक्सीकरण कहलाता है। और ये कौन कर पाएगा, तो इलेक्ट्रॉन लूज करना जो टेंडेंसी होती है, जो क्षमता होती है, किसके पास होती है, मोस्टली जो धातुएं होती हैं, जो हमारे मेटल्स होते हैं, उनके पास ही टेंडेंसी होती है। अब इस कॉन्सेप्ट को आप इन दोनों कॉन्सेप्ट से जोड़िए, आपको एकदम क्लियर हो जाए। कैसे, आप क्या करते हैं, ऑक्सीजन ऐड करते हैं। ऑक्सीजन क्या है, एक नॉन मेटल है। ऑक्सीजन क्या होती है, एक नॉन मेटल होती है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2.6 होता है। इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, दो इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो जब ये ऑक्सीजन जा करके, फॉर सपोज किसी मेटल में आप ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, वो मेटल ऑक्साइड बना रहा है, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगी, इस धातु से, इस मेटल से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगी। जब यहाँ पर ये ऑक्सीजन इस मेटल से ऑक्सीजन ग्रहण कर लेगी, ले लेगी, तो मेटल में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएंगे। तो हम कहेंगे मेटल का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, यानी कि उस धातु का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। तभी आप ऐसे दर्शाते हैं यहाँ पर एरो लगा करके कि इस मेटल का, या यहाँ पर हम कह रहे हैं कि कोई मेटल कोई धातु ना हो करके कोई भी परमाणु हो, कोई भी एटम हो, और उसमें जब ऑक्सीजन जुड़ेगी तो करेगी क्या, ऑक्सीजन उस परमाणु से, उस एटम से इलेक्ट्रॉन ले लेगी। और अभी हमने पढ़ा कि किसी भी एटम से, किसी भी मॉलिक्यूल से, यानी किसी परमाणु या अणु से इलेक्ट्रॉन के कम होने की जो समीकरण होता है, जो अभिक्रिया होती है, उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो भी परमाणु होगा उसमें ऑक्सीजन जुड़ी, और ऑक्सीजन ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो इलेक्ट्रॉन जब ले लेगी ऑक्सीजन, तो इस मेटल के पास इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, और इसी के लिए इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। एंड इसका ऑक्सीकरण हुआ किसकी वजह से, इस ऑक्सीजन की वजह से हुआ है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हिंदी में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेशन का, यानी कि ऑक्सीकरण का। ठीक इसी तरह से हमें समझना है कि रिडक्शन क्या होता है। तो अगर आपको ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन समझ में आ गया, तो आपको रिडक्शन को समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑक्सीजन वाला कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया कि ऑक्सीजन के जुड़ने पर कैसे ऑक्सीकरण होता है। उसी तरह से देखिए हाइड्रोजन के हटने पर कैसे ऑक्सीकरण होगा, क्योंकि हमने पढ़ा ऑक्सीकरण कब होता है, दो पॉइंट हो सकते हैं, या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए या हाइड्रोजन क्या हो जाए, निकल जाए। तो उसको हम कहेंगे कि उस कंपाउंड का, उस यौगिक का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। तो ऑक्सीजन जुड़ने पे तो हमने सीख लिया, अब हाइड्रोजन के हटने पर कैसे। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन जो है H+ आयन बनाता है, और साथ में हाइड्रोजन जो है H-, आपने हाइड्राइड आयन पढ़े थे। तो आपका हाइड्रोजन की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन देने की होती है। तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर हाइड्रोजन को अगर किसी यौगिक में जोड़ दोगे जाकर के, कोई कंपाउंड है, कोई एटम है, कोई मॉलिक्यूल है, यानी कोई अणु या परमाणु है, उसमें अगर आप हाइड्रोजन जोड़ दोगे, तो हाइड्रोजन क्या करेगी, उस अणु को जाकर, उस परमाणु को जाकर के अपना इलेक्ट्रॉन दे देगी, क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन दे देगी। जबकि हमने क्या करना है, हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन कम होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन कम कब होगा, जब हम उस
अणु से या परमाणु से हाइड्रोजन क्या कर ले, निकाल लें। जैसे ही आप हाइड्रोजन निकाल लेंगे तो हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना वाला इलेक्ट्रॉन लेकर के वहाँ से निकल जाएगा। और इस तरह भी जो भी आपका परमाणु होगा या जो भी आपका अणु होगा यानी एटम या मॉलिक्यूल होगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन के कम होने की वजह से उस अणु या परमाणु का, उस एटम या मॉलिक्यूल का ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो न्यू कॉन्सेप्ट आपको ये समझना है कि जब भी किसी एटम या मॉलिक्यूल से यानी कि अणु या परमाणु से इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉन के नंबर्स कम हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। यह ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण जिस भी कारक, जिस भी एजेंट के थ्रू होता है, उसको ऑक्सीकारक यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट, अपचयन यानी कि रिडक्शन। अब ये अपचयन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, तो ये ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण का ठीक उल्टा होगा। इसमें हमारे पास सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि जैसे आपने ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन में पढ़ा था कि ऑक्सीजन जुड़ जाए किसी भी अणु या परमाणु में, किसी भी आइटम या मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक उसी प्रकार से किसी भी एटम या मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का ऐड होना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है, अपचयन कहलाता है। हाइड्रोजन क्या हो जाए, ऐड हो जाए यानी कि हाइड्रोजन जुड़ जाए। या सेकंड पॉइंट, ऑक्सीकरण का उल्टा करना है ना हमें, तो ऑक्सीजन क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, रिमूव माने ऑक्सीजन निकल जाए, तो भी हम कहेंगे कि उस परमाणु का, उस अणु का क्या हो गया, अपचयन हो गया। एंड जो भी आपकी केमिकल रिएक्शन या जो भी आपकी रासायनिक अभिक्रिया होगी, उसमें किसी अणु या परमाणु में हाइड्रोजन जोड़ने या ऑक्सीजन निकालने का काम जो कंपाउंड या जो यौगिक करेगा, उसको क्या कहा जाएगा, वो यहाँ पर कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि अपचायक। तो ये तो हमारे जो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है अपचयन का कॉन्सेप्ट, कि हाइड्रोजन ऐड हो जाए, ऑक्सीजन रिमूव हो जाए। लेकिन हमारा न्यू कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जो थर्ड पॉइंट है हमारा न्यू कॉन्सेप्ट, ये कहता है कि किसी भी एटम या मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाएं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन का जुड़ना या इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाए, इलेक्ट्रॉन्स के जो नंबर हैं वो इनक्रीज हो जाएं, तो उस एटम और मॉलिक्यूल का यानी कि उस अणु या परमाणु का अपचयन हो जाता है। तो हमें पता है कि यहाँ पर इन दोनों कॉन्सेप्ट से इस थर्ड कॉन्सेप्ट को अगर हम प्रूव करने की सोचें, तो देखिए हाइड्रोजन का काम क्या होता है, हाइड्रोजन मैंने कहा हाइड्रोजन की टेंडेंसी, हाइड्रोजन की क्षमता होती है इलेक्ट्रॉन देने की। हाइड्रोजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है। Cl ले लीजिए, Cl है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। ये एक अधातु है, एक नॉन मेटल है, 17 इसका एटॉमिक नंबर है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण होगा 2.8.7, 2.87। अष्टक पूर्ण होने के लिए क्या होना चाहिए, ऑक्टेट का नियम क्या कहता है कि बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने चाहिए, तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। क्या करे कि एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, ये क्या करे किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले ले, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन देगा कौन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या करेगा जा करके, हाइड्रोजन ने इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो Cl और H दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे, HCl बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि क्लोरीन में क्या जुड़ गया, हाइड्रोजन जुड़ गया, और इसकी वजह से, हाइड्रोजन के जुड़ने की वजह से क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और क्लोरीन का अष्टक पूर्ण हो गया, क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन हम यहाँ पर अष्टक का नियम समझने नहीं बैठे, हम यहाँ पर यह समझने बैठे हैं कि अपचयन कैसे हुआ। तो हमने अभी पढ़ा कि किसी भी अणु या परमाणु में अगर इलेक्ट्रॉन जुड़ जाए, किसी भी एटम या मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए, तो हम कहते हैं कि उस एटम या मॉलिक्यूल का, उस अणु या परमाणु का क्या हो गया, अपचयन हो गया, उसका रिडक्शन हो गया। और यहाँ पर हाइड्रोजन क्या कह रहा है, हाइड्रोजन जो है जब क्लोरीन के साथ बंध बनाता है, जब ये दोनों जाकर के कंपाउंड HCl बनाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं, तो उस कंडीशन में हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन को दे देता है, तो क्लोरीन का ऑक्टेट तो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन उससे जुड़ कौन जाता है, हाइड्रोजन। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने की वजह से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से हम क्या कहेंगे, क्लोरीन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, सॉरी क्लोरीन का रिडक्शन हो गया, यानी कि क्लोरीन का अपचयन हो गया। तो ये है हमारा अपचयन की प्रोसेस। इसका ठीक उल्टा ऑक्सीजन हट जाए, तो हमको पता है जैसे कि कोई मेटलिक ऑक्साइड है, MO2 है, क्लियर है, तो MO2, अब आप यहाँ पर क्या करो, आपने कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शन, इसको हीट किया फॉर सपोज, और यहाँ से ऑक्सीजन हट गई, तो
ऑक्सीजन की टेंडेंसी क्या, ऑक्सीजन की क्षमता क्या है? ऑक्सीजन की क्षमता होती है, जस्ट बिकॉज अभी हमने पढ़ा था ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 8 होता है, 2.6 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, और अष्टक के नियम के अनुसार इसके बाह्यतम कोश में, इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर जब ऑक्सीजन निकलेगा M और O2 बनेगा, तो ऑक्सीजन क्या हो गई, हट गई। तो ऑक्सीजन जब हटेगा तो क्या करेगा, मेटल से वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ले लेगा। और जब ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन मेटल से ले लेगा तो उस कंडीशन में मेटल क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि मेटल का अपचयन हो जाएगा, जो धातु होगी उसका अपचयन हो जाएगा, उसको हम कहेंगे कि उसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो इस तरह से हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का हटना क्या असर डालता है, किसी भी परमाणु या किसी अणु का रिडक्शन कर देता है, किसी भी एटम या मॉलिक्यूल का रिडक्शन कर देता है या उसका अपचयन कर देता है। तो ये हमारे 2 कॉन्सेप्ट हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इन दोनों टॉपिक्स को समझने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो हमारा चैप्टर भी है, वो है रिडॉक्स रिएक्शन का। रिडॉक्स रिएक्शन यानी कि रेडॉक्स अभिक्रियाएं। तो रेडॉक्स वर्ड जो है, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक तो रेड और एक ऑक्स, जहां पर रेड का मतलब होता है रेडॉक्स रिडक्शन यानी कि अपचयन, एंड ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण। तो इससे आप समझ गए होंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन यानी कि रिडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ऐसी केमिकल रिएक्शन, दोज केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस टुगेदर, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिन अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, इन्हें रिडॉक्स अभिक्रियाएं यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। और न्यू कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग रिडॉक्स रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन कब होगी, कोई भी अभिक्रिया रिडॉक्स अभिक्रिया कब होगी, जब उसमें क्या हो रहा हो, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हो एंड इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हो, यानी कि किसी अणु या परमाणु में इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हों और किसी अणु या परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हों, तो दोनों मिलकर के क्या करेंगे, दोनों मिलकर के रिडॉक्स अभिक्रिया का निर्माण करेंगे। अब यहीं पर आपको एक कॉन्सेप्ट और समझ लेना है कि रासायनिक अभिक्रियाएं आखिर होती कैसे। तो देखिए, जैसे कि ए कोई एक परमाणु है ए बी, और एक कोई परमाणु है सी डी, तो यहाँ पर ये जो अणु होगा, जो मॉलिक्यूल होगा आपका, ये 2 एटम से मिलकर बनाए ए और बी, जिन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया होगा, बंध बनाया होगा। और यहाँ पर सी और डी, ये 2, सी एक परमाणु है, डी दूसरा परमाणु, यानी सी और डी 2 एटम है, इन दोनों ने मिलकर के सी डी मॉलिक्यूल बनाया हुआ है। अब ये दोनों जाकर के आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं, इन दोनों को आपने मिक्स कर दिया और इन्होंने रासायनिक अभिक्रिया करी, इन्होंने केमिकल रिएक्शन करी, तो होगा क्या, ए और बी के बीच बॉन्ड टूटेगा, बंध टूटेगा। बॉन्ड बनता कैसे, जब इलेक्ट्रॉन आपस में साझा होते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तो ए और बी के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर हुए होंगे, तो इन्होंने अपना बॉन्ड क्या होगा, बनाया होगा। जब ए और बी के बीच बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, हो सकता है कि ए इलेक्ट्रॉन दे दे, हो सकता है ए क्या कर दे, इलेक्ट्रॉन दे करके ए प्लस बना ले, और वहीं पर बी जो है वो इलेक्ट्रॉन ले करके बी माइनस बना ले। तो देखिए, ए से इलेक्ट्रॉन निकल गए, कम हो गए, और बी में इलेक्ट्रॉन जुड़ गए, बढ़ गए, तो ए का क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण, बी का रिडक्शन। तो इसी तरह से ए बी और सी डी केमिकल रिएक्शन कैसे हुई, कि ए और बी के बीच बॉन्ड टूटा, ठीक उसी समय सी और डी के बीच में बॉन्ड क्या होंगे, ब्रेक होंगे, बंद क्या होंगे, टूटेंगे, और इस तरह से हो सकता है हमारा जो उत्पाद बन जाए वो क्या बन जाए, ए सी और बी डी। ये इस तरह से आपको 2 नए उत्पाद, 2 नए प्रोडक्ट जो हैं मिल जाएं, और आपकी केमिकल रिएक्शन क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। फिर बात आती है कि ये जो ए बी और सी डी हैं, ये अपने बॉन्ड क्यों तोड़ें, भाई इन्होंने बंद बनाया हुआ है, इन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है, तो ये तोड़ें क्यों बॉन्ड। तो जैसे 2 लोग जब बिजनेस पार्टनर होते हैं, जब बिजनेस करते हैं, तो उनके बीच में डील होती है कि जो भी प्रॉफिट होगा हम इतने इतने परसेंट शेयर, 40-60, 50-50 जो भी रेशियो, वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। और जब कोई नया, फॉर सपोज कोई नया बिजनेस पार्टनर आ जाए और वो आपको ऑफर करे कि अगर आपको वहाँ पहली वाली कंपनी में 50% मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, आपको 60% देंगे, तो आप क्या करोगे, तुरंत आप पहले वाले से अपना जो बिजनेस जो कोलेटरल है उसको तोड़ दोगे, उसको ब्रेक कर दोगे, जो भी बॉन्ड है आपका, और नए वाले से जाकर आप बॉन्ड क्या कर लोगे, जोड़ लोगे।
ठीक ऐसे ही यहाँ पर भी क्या होता है, जो भी हमारे अणु होते हैं, जो परमाणु होते हैं, इनको क्या चाहिए होती है? स्टेबिलिटी। इनको चाहिए होता है स्थायित्व, वो सबको चाहिए लाइफ में। तो स्थायित्व पाने के लिए, स्टेबिलिटी पाने के लिए उनको क्या है, कम एनर्जी में जब इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो। यहाँ पर सारा जो कॉन्सेप्ट है वो है इलेक्ट्रॉन लेने और देने का और उससे रिलेटेड एनर्जी का। तो अगर आपको किसी और से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है वो भी कम एनर्जी में, तो यहाँ पर जो एटम है वो क्या करता है, पहले वाले मॉलिक्यूल से अपना बॉन्ड ब्रेक कर लेता है और किसी नए एटम या किसी नए मॉलिक्यूल से जा करके जुड़ जाता है, किसी नए परमाणु या अणु से जुड़ जाता है अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए, अपने ऑक्टेट को कम्प्लीट करने के लिए। और जब ऐसा होता है तो हमारे नए नए कंपाउंड, मतलब कि किसी पुराने अभिकारकों से, रिएक्टेंट से नए उत्पाद यानी कि नए प्रोडक्ट बनते हैं। ऐसी किसी केमिकल रिएक्शन में जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहे हों, ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ हो रहे हों, ऐसी केमिकल रिएक्शंस को, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को रिडॉक्स रिएक्शन यानी कि रिडॉक्स अभिक्रियाएं कहा जाता है। तो ये था आज का हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट कि एक्चुअल में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है। आज मैंने आपको बुक से नहीं पढ़ाया है, मैंने कॉपी में इसीलिए जो जनरल बातें हैं वो समझाई हैं। तो इसको आप देखिए और रिपीट करके देखिए, सो दैट आपके माइंड में पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कॉन्सेप्ट जो है वो बैठ जाए। देन इसके बाद कल हम अपने नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में बुक से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।